कदे भाजपा के लोगों नू काले अंग्रेज दस्या ते कदे भाजपा नू देश दे लोगों नू तोड़न वाली पार्टी, कदे भाजपा इन्हां नू जहर जापदी सी ते हुण शहद लगदी है। जी हाँ, असी गल राजकुमार वेरका दी कर रहे हैं। वेरका दे भाजपा च जाण दे फैसले ने एक तां इह दस दिता है कि सियासतदानां दीआं गल्लां नू बहुता सीरीयस नहीं लईदा, दूजे पासे भाजपा ने यह साबित कर दिता है कि कोई कुछ मर्जी आखी जाए साडे बारे असी गल दिल ते नहीं लाउंदे। ओह किवें तां तुसीं आप सुन लवो ते देख लवो, समझ आ जाएगा कि असल दे विच मासरा है की है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी सोची समझी साजिश के तहत पहले नादरशाही लुटेरे बन के इन्होंने देश को लूटा है, सरकारी कंपनियों को लूटा है, सरकारी खजाने को खाया है, और उसके बाद आज देश की अर्थव्यवस्था की जो पटरी से गाड़ी उतरी थी उसके अलावा आज देश में आगजनी, फसाद और ये काम करवा रहे हैं। अभी सारे ही ये महसूस करते हैं कि देश का सही नेतृत्व कौन कर सकता है, देश में कठिया कौन रख सकता है, देश में तरक्की की दुनिया से कौन लेके जा सकता है। तो वो वास्ते एक ही नाम सामने आता है, वो नरेंद्र भाई मोदी का है। ये बीजेपी वाले नो तो छोटी बच्चे कह जाता सी ये अंग्रेजों के साथ देने वाले सीगे, असी वो अंग्रेजा को नहीं डरे ते मोदी के काले अंग्रेजा को डरने वाले नहीं असी। वाह सियासतदानों वाह, तुहाडे की कहने। अक्सर आखते ने कि इन्नी छेती तो गिरगट भी रंग नहीं बदलता जिनी छेती कोई सियासतदान पार्टी बदल जाता है। पिछले कुछ सालों तो अजिहा आम होने लग पे, साइया किसी होर दे नाल ते वधाइया किसी होर दे नाल। सियासतदान जिस तरह करन लग पे ने, इत्थे गुरदास मान का एक गीत भी ढुकवा जापन लग्या, आवे साडे नाल ते जावे किसी होर नाल बल्ले ओ चलाक सज्जना। आ बयान जिहड़े तुसीं सुने ने इह ने सीनियर कांग्रसी आगू डॉक्टर राजकुमार वेरका दे, ओ नहीं नहीं माफ करना, भाजपा आगू राजकुमार वेरका दे। लंबा समा कांग्रेस दे विच रहे ने, इस करके मूँह चों कांग्रसी ही निकलदा। इन्हां नू कल तक जो भाजपा जहर वर्गी जापदी सी अज शहद वर्गी मिठी लगन लग गई है। जिस प्रधानमंत्री मोदी अते भाजपा नू इह लोकां नू वंडन वाली सोच का मालक दसदे सन, उन्हां दे हाथ दे विच इन्हां नू देश का भविख हुण सुरक्षित जापन लग पिया। ठीक है, भाजपा चंगी हो सकती है, पर वेरका साहब उन्हां लोकां नू तां जवाब दे के जाओ जिन्हां नू तुसीं हुण तक भाजपा तों दूरी बना के रखण भाजपा नू सबक सिखाउण दीआं गल्लां आखदे रहे हो। उन्हां नू दसो या तां मैं पहलां गलत सी या मैं हुण गलत हाँ। उन्हां नू दसो मेरे पहलां वाले बयान गलत सी ते अज वाले बयान सही ने, अजिहा असीं क्यों आख रहे हां। आओ पहलां तुहानू ओह सुनवाइए कि आखर वेरका पहलां भाजपा नू की आखदे सी ते हुण की आख रहे ने, फिर अगे चलांगे। हम ये चाहते हैं कि भैया सबको बराबर का अधिकार हो, सब लोगों को बराबर की निगाह से देखा जाए। ये क्या कारण है कि आप धर्मों के बीच में नफरत फैला रहे हैं, धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ फसाद करवा रहे हैं, जो आगजनी करवा रहे हैं, ये क्यों करवा रहे हो आगजनी भाई? ये देश के नागरिक हैं, देश के लोग हैं, देश के अंदर ये क्या कानून है? आप भी बाहर से आए हो, मैं भी बाहर से आया हूँ। अरे वो कहेंगे कि भाई ये जो धर्मचंद है इसको तो रहने का अधिकार है, जो अब्दुल हकीम है उसको रहने का अधिकार नहीं है। क्यों? ये देश सबका देश है, ये सब लोगों का साझा देश है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी सोची समझी साजिश के तहत पहले नादरशाही लुटेरे बन के इन्होंने देश को लूटा है, सरकारी कंपनियों को लूटा है, सरकारी खजाने को खाया है, और उसके बाद आज देश की अर्थव्यवस्था की जो पटरी से गाड़ी उतरी थी उसके अलावा आज देश में आगजनी, फसाद और ये काम करवा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान और बाहर की साजिश के तहत ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बाहर के देश की एजेंट बन करके ये देश को आग के हवाले कर रहे हैं। देश के युवा क्यों उदास हैं, देश के लोग क्यों परेशान हैं, देश के लोगों के बीच में नफरत क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? यही कारण है कि आज देश के अंदर जो माहौल है वो डर का माहौल पैदा हुआ है। और मैं समझता हूं कि अमित शाह को इस पे सोचना चाहिए, मोदी जी को सोचना चाहिए, और इसमें जो ये कर रहे हैं ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कि देश की एकता, अखंडता और देश की तरक्की वास्ते असी सारे ही ये महसूस करते हैं कि देश का सही नेतृत्व कौन कर सकता है, देश नू कठिया कौन रख सकता है, देश नू तरक्की दिलियां ते कौन लेके जा सकता है। तो उदे वास्ते एक ही नाम सामने आता है, वो नरेंद्र भाई मोदी का है। और असी सारे ने महसूस किया कि जिस तरीके नाल कांग्रेस नेतृत्व
वह कमजोर हुंदा जा रहा है, अपनी पकड़ छड़दा जा रहा है और ये पंजाब का नुकसान होया, देश का नुकसान होया। इस तो पहले कि ये देश की ताकत के लोग वंडे जान, असं चाहते हैं कि पूरे देश के लोग एक ताकत के पिछे खड़े हो, नरेंद्र भाई मोदी की ताकत होवे और असी सारे उन्दे नाल खड़े। असी वो लुटेरियां तो पंजाब नूं बचाना है, तो पंजाब नूं उन्हां लुटेरियां को बचाने की ताकत अगर किसी कोल है वो भारतीय जनता पार्टी के कोल आ, और असी भारतीय जनता पार्टी के छपाई के वजों काम करांगा। सुन लिया तुसीं किंज बदले ने रंग सज्जना दे, हाले तो बहुत कुछ है इस तरह का जो सुनाया जा सकता है, पर इना काफ़ी है। एक गल समझ नहीं आई कि भाजपा प्रति राजकुमार वीरका का नज़रिया आखिर बदल किवें गया, कि कुदरत का करिश्मा कहिए या वह गल जो हुण कांग्रेसी आख रहे ने। असी ये नहीं आख रहे कि कांग्रेस बहुत चंगी सी फिर क्यों छड़ दिती, पर यह आख रहे हैं कि कांग्रेसी आखते हैं कि भाजपा का पल्ला फड़न वाले वो लोग ने जिन्हां दी भाजपा ने सीधे या असिधे तरीके दे नाल बाह मरोड़ी है। इस गल दे विच सच्चाई किन्नी है ये तो या कांग्रेसी दस सकते हैं या फिर भाजपा वाले या फिर भाजपा के शामिल होने वाले। राजकुमार वीरका ने तो यह भी आख्या कि वह भाजपा तो डरन वाले कांग्रेसी नहीं, इतों तक कि उन्होंने तो भाजपा को काले अंग्रेज तक भी आख दिता सी। चलो तुहानू सुनवाई दिने आ किंज कचीचियां लै लै के वीरका दे वल्लों भाजपा को घेरिया जाता रहा। नरेंद्र मोदी देश डिक्टेटर बनना चाहता, यह गल सच, वो डिक्टेटर बन के ये सारे प्राइवेट प्लेयर नू ये देश नू प्राइवेट हाथों के नीलाम करना चाहता, लेकिन ये असी बई वो जिहड़े असली अंग्रेज सी जिन्हां ने ये देश नू गुलाम बनाया होया सी, असी ते उन्हां को डरे नहीं, ये ते अंग्रेजां दे एजेंट आ। ये बीजेपी वालों ने उदों टोटी बच्चे कहा जाता सी, ये अंग्रेजां दे साथ देण वाले सीगे, असी वो अंग्रेजा को नहीं डरे ते मोदी के काले अंग्रेजा को डरन वाले नहीं। असी इत्थे राष्ट्रपति शासन जिन्ना मर्जी लाने की कोशिश करे, लेकिन ये लोकतंत्र है। हुण इन्हां बयानां तो की सबक मिलता है? सबक यह मिलता है कि एक गल तो साफ है कि सियासतदानां दीआं गल्लां दे उत्ते बहुता भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई किसी नूं कुछ मर्जी आखी जाए उसके लोगों नूं अपने दिमाग के घोड़े भी भजाने चाहिए है, नहीं तो हो सकता है कि किसी दीआं गल्लां सुन तुसीं भी दूजे नूं गालां कढ़ी जाओ, तो पता उदों लगे जदों तुहाडा पेचा दूजे दे नाल पवा के अगला उसे दी झोली जा के आखे हम तो भटक गए थे, रास्ते से मंजिल तो अब मिली है। नाल ही इन्हां बयानां दे नाल सियासतदानां नूं हौसला भी मिलता है कि किसी नूं जो मर्जी आखो पर जदों पानी सिरों लंघन लग जाए तो छेती छेती ये आख के कि हम तो गुमराह थे लोगों के बयानों से, हमें तो आज पता चला कि कौन गैर और कौन अपना था, उस पार्टी दे विच जा बैठो जिसनों तुसी कई सालों तो निंदते आ रहे हो।